इंडियन सुपर लीग के तीसरे सत्र में कोलकाता ने खिताब अपने नाम कर लिया है। एटलेटिको डी कोलकाता केरला ब्लास्टर्स को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से शिकस्त देकर चैंपियन बन गया है। कोलकाता ने 3 साल में दूसरी बार इंडियन सुपर लीग का खिताब अपने नाम किया है। आपको बता दें कि कोलकाता के सह मालिक सौरव गांगुली है, जबकि केरला ब्लास्टर्स सचिन तेंदुलकर की टीम है। कोची के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खचाखच दर्शकों से भरे स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिला। वहीं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के मालिकाना हक वाली केरल की टीम 2 बार फाइनल में खेल चुकी है, लेकिन दोनों ही बार खिताब से जीतने से चूक गई। निर्धारित समय में दोनों टीमों की ओर से पहले हाफ में 1-1 गोल हुआ, वहीं टीमों को अतिरिक्त समय दिया गया। इसके बाद भी दोनों टीमों में से कोई गोल नहीं कर सका। इससे 120 मिनट बाद यह मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में चला गया। शूटआउट में कोलकाता ने बाजी मारी और मुकाबला 4-3 से अपने नाम कर लिया। कोलकाता की जीत के साथ ही पूरे स्टेडियम में दर्शकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने एक बार फिर सचिन तेंदुलकर का दिल तोड़ दिया और ISL का खिताब एटलेटिको डी कोलकाता ने अपने नाम कर लिया। कोलकाता को शुरू से ही ISL के खिताब का दावेदार माना जा रहा था। देखते रहिए टीवी लाइव।